हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स मे बी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनमें सबसे पहले आता है इनकी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मीन्स किसी स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जो लाइट मेंबर्स हैं जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, ये जो लाइट मेंबर्स हैं, इथाइल कंपोनेंट्स, इथाइल हैलाइड्स, तो ये कंपाउंड्स मोस्टली प्रेजेंट हैं गैस स्टेट में। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी स्टेट गैस से लिक्विड और जितना और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर सॉलिड स्टेट में चेंज होंगे। सेकेंड स्टेट हमारी स्टडी करते हैं उसके बारे में, वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स में दीज कंपाउंड्स आर हैविंग पोलर बॉन्ड, दीज हैव पोलर बॉन्ड सी एक्स, सी सी एल, सी एफ, सी बी आर। तो पोलर बॉन्ड होने की वजह से यहां पर होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे और एल्काइल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एल्केन्स से, जिनसे ये बने हैं इनके पेरेंट एल्केन्स, तो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाएगा। नंबर टू पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम ये लेके चल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद सरफेस एरिया। जैसे जैसे फॉर्मूला बढ़ता जाएगा, कार्बन्स की संख्या बढ़ती जाएगी, चेन में कार्बन के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, मिथाइल ब्रोमाइड सपोज मिथाइल की बजाय इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और वहां पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के साथ साथ एक और पॉइंट काम करेगा, वो है सरफेस एरिया, जो कि सरफेस एरिया पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। फोर्थ पॉइंट, जो ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड हैलाइड्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा स्ट्रेट चेन से। स्ट्रेट चेन एल्काइल हैलाइड से, जैसे एग्जांपल हम कह सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी मींस कार्बन के चारों तरफ कार्बन आ गए, तीन CH3 ग्रुप आ गए हैं, एक Cl आ गया, तो वो स्फेरिकल शेप ले चुका है। और अगर हम लेते हैं ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो हम चेक कर सकते हैं कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसके साथ एज कंपेयर टू टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, सबसे कम होगा CH3 Cl सबसे कम होगा, इसी में हम इसको ले सकते हैं CHCl, CH3 इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये कंपाउंड में हम बराबर ले सकते हैं लेकिन उसकी चेन को छोटा कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम यहां पर लेंगे Cl और यहां हम लगाएंगे CH3। तो ये ब्रांच होने के साथ साथ स्ट्रक्चर छोटा होता जा रहा है, फॉर्मूला छोटा होता जा रहा है, और अगर हम लेते हैं नेक्स्ट स्टेट चेन CH2 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 Cl, तो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है डेंसिटी। इन चीजों को हम याद रखेंगे, डेंसिटी में इन्हीं पॉइंट्स को भी याद रखेंगे डेंसिटी को लेते हुए, कि नंबर वन जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है मास पे मेनली। तो ऐसी कंडीशन में किसी का भी आर एफ के कंपेरिजन में आर सी एल, आर बी आर और आर आई, क्योंकि एटॉमिक मास इंक्रीज होता जा रहा है हैलोजन्स का, तो इस तरह से डेंसिटी इंक्रीज होगी। नंबर टू, मॉलिकुलर मास इंक्रीज के साथ साथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। और तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं इफेक्ट ऑफ ब्रांच, इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग
तो ब्रांचिंग के लिए हम इसमें नोट कर सकते हैं, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी डेंसिटी इंक्रीज होगी, विद ब्रांचिंग डेंसिटी इंक्रीजेस। इस कंपाउंड में ये है तीन आइसोमर्स एक ही कंपाउंड के, सबसे ओपन चेन, चेन छोटी हो चुकी है और भी, और सबसे कम एरिया लिए हुए है, तो ऐसी कंडीशन में डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी इसकी और यहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी इनकी। तो ये हमारे सामने आ गया है कि डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी ब्रांचिंग के साथ। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक पॉइंट और हम ले सकते हैं, वो है कि एल्काइल हैलाइड्स वाटर इनसॉल्युबल है और सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे CCl4 एसीटोन क्लोरोफॉर्म इन सब में, ईथर्स इनमें ये सॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है बिकॉज ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, और इनको हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री कैटेगरीज में। नंबर वन सब्स्टिट्यूशन, नंबर टू एलिमिनेशन, एंड नंबर थ्री रिएक्शन विद मैटर्स। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट, जब हैलोजन ग्रुप को किसी अदर एटम और ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो वो रिएक्शन कराएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले हमें स्टडी करनी है, और उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि क्या है नेचर सी एक्स बॉन्ड की। आर सी एक्स मीन्स कार्बन हैलोजन इज सिंगल बॉन्ड एंड पोलर बॉन्ड, जिसमें से ये पॉजिटिव नेचर में होगा और ये नेगेटिव नेचर में होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, और कब टूटेगा, कब स्प्लिट होगा, जब कोई हैलोजन की नेचर वाला इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करेगा, नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर सकता है, तो ये कहलाती है। इसलिए यहां पर रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स हैलोजन खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो कोई नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ही इसको रिप्लेस कर सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो अटैक करेंगे और एक्स को रिप्लेस करेंगे, एग्जाम्पल की फॉर्म में आर सी एक्स, और इस पर रिएक्शन होगी किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल विद नेगेटिव चार्ज, तो ये रिप्लेस करके इसको बनाएगा आर सी एच टू एन यू प्लस एक्स माइनस। तो ये है तरीका किस तरह से रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है। अब यहां पर जो एक्स है ये कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है, और जो आर है इट इज चेन ऑफ कार्बन, चेन ऑफ कार्बन, जो वन कार्बन भी हो सकता है, ज्यादा कार्बन भी हो सकते हैं, और इनको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। अब रिएक्शन होगी कैसे, एग्जाम्पल तो हमने बताई दी आपको। अब यहां पर हमें मालूम है कि एल्काइल हैलाइड्स तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि रेट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सी एक्स बॉन्ड, सी एक्स बॉन्ड कितनी स्पीड से टूट सकता है जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड्स हो। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑर्डर है वो प्राइमरी हैलाइड से ज्यादा आसानी से टूटेगा सेकेंडरी हैलाइड में बॉन्ड, और टर्शरी हैलाइड्स, टर्शरी हैलाइड्स मीन्स एल्काइल हैलाइड्स, ऑल दीज आर एल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेम इन द वे। तो प्राइमरी मीन्स कार्बन जिसके पास हैलोजन अटैच्ड है उसके पास मैक्सिमम वन आर हो सकता है, वन कार्बन चेन हो सकती है, CH3 ग्रुप हो सकता है, दूसरा ग्रुप हो सकता है, और इन केस ऑफ सेकेंडरी देयर आर टू कार्बन चेन्स,
इन टर्शरी देर आर थ्री कार्बन चेन्स आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप। नाउ एल्काइल ग्रुप आर ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और यही है रीजन इनके ऑर्डर का। क्या है प्लस आई इफेक्ट? इट इज द परमानेंट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द कार्बन चेन। यहां पर प्लस आई इफेक्ट का मतलब है कि आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है कार्बन चेन की साइड, ये इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स में ओनली वन कार्बन चेन है, एल्काइल ग्रुप है, जबकि टर्शियरी में थ्री है। तो ये जो प्लस आई इफेक्ट है इट इज मैक्सिमम इन टर्शियरी हैलाइड्स, सो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा सबसे फास्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, किस तरह से वो रिएक्शन हो सकती है। कौन-कौन से एग्जांपल्स हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? एल्काइल हैलाइड्स में हम मैक्सिमम ग्रुप्स को एक्स की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं और अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे हमें बनाना है एल्कोहल, एल्कोहल मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स ग्रुप बाय ओएच। तो ये दो ग्रुप में एक्सचेंज होगा, एक्स को हटा के ओएच आएगा, तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए हम रिएक्शन करेंगे एल्काइल हैलाइड आर एक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी एस थ्री सी एल, इस पर हम रिएक्शन करेंगे एक्वस के ओ एच, और यहां रिप्लेसमेंट होगा आर ओ एच एंड के एक्स। तो हमें मिलेगा एल्कोहल प्लस एक्वस के ओ एच सी एस थ्री ओ एच प्लस एच सी एल। तो हमें मिला मिथाइल एल्कोहल, किससे? मिथाइल क्लोराइड से। अब हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं किसके थ्रू? ईथर ग्रुप बना सकते हैं, ईथर कंपाउंड्स बना सकते हैं। उसके लिए हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा एक्स ग्रुप का ओ आर ग्रुप से रिप्लेसमेंट, और बनेगा ईथर। कैसे? ईथर के केस में आर एक्स, यहां पर हम रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड की सोडियम सोल्ट ऑफ एल्कोहल के साथ। सोडियम सोल्ट ऑफ एल्कोहल मीन्स आर ओ एन ए। तो यहां पर ये आर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, जैसा आपको कंपाउंड चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हैं। और यहां पर रिएक्शन होकर ये आर एंड आर डैश दीज फॉर्म द ईथर। ईथर क्या है? जहां पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन है, और इस ग्रुप को कहते हैं ईथर ग्रुप। तो कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास एन ए एक्स। तो ये है ईथर। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। अब रिप्लेसमेंट और कौन सा कर सकते हैं? थ्री एल्काइल हैलाइड से हम बना सकते हैं साइनाइड्स, और साइनाइड्स में रिप्लेसमेंट होगा एक्स ग्रुप का रिप्लेसमेंट सी एन से। तो ये है रिप्लेसमेंट सी एन से। क्या करना होगा? सी एच थ्री सी एच टू सी एल फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हैलोजन ले सकते हैं आप, रिएक्शन सेम होगी। प्लस के सी एन, इसके साथ में रिएक्शन कराने पर ये भी एक तरह से एल्कोहलिक केसीएन होगा, और यहां पर हम रिएक्शन देखेंगे तो बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एन। तो यहां सीएल पर प्लेस कर दिया सीएन ने, और ये सीएन की जो रिएक्शन है इसका फॉर्मेशन है ये है असेंडिंग ऑफ सीरीज। दो कार्बन का कंपाउंड था, थ्री कार्बन का कंपाउंड बन गया। जहां कहीं भी हमें कार्बन इंक्रीज करना होगा हम इस स्टेप को यूज कर सकते हैं केसीएन के साथ में रिएक्शन करा के। सो एल्काइल साइनाइड से हम क्या क्या बना सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में सी एच थ्री सी एल हमने बना दिया है, किससे बनाया था? सी एच थ्री सी एल से।
किसकी रिएक्शन कराई थी? के सी एन की। तो इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, इस ग्रुप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनएच टू ग्रुप में, इस ग्रुप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीओ एनएच टू में, इस ग्रुप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो देखिए किस तरीके से हम रिएक्शन करके एक अपने मर्जी का कंपाउंड बना सकते हैं। यहां पर अगर मैं रिडक्शन कर दिया हाइड्रोजन निकल के साथ, यहां पर हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू, यानी कि अमाइंस बन गया, यहां के कंपैरिजन में एक कार्बन इंक्रीज हो गया। सेकंड कंडीशन होती है अगर हम डायल्यूट एचसीएल यूज करेंगे, तो यहां पर इसका हाइड्रोलिसिस होगी और सी एच थ्री में सी एन ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, तो बन गया एसिटिक एसिड। इसी में हम कंसेंट्रेटेड एचसीएल यूज करेंगे, तो यहां पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी, कंप्लीट नहीं होगी, और ये बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ एन एच टू, इसको हम कहेंगे अमाइड, ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम एक कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं साइनाइड की कन्वर्जन के थ्रू। अब आते हैं इसके बाद में हमारे पास फोर्थ रिएक्शन आती है, फिफ्थ रिएक्शन, वो है एल्काइल हैलाइड्स से हमें बनाना है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का मीनिंग है एक्स इज रिप्लेस्ड बाय एन सी ग्रुप, तो ये है न्यूक्लियोफाइल, क्या है? आइसोसाइनाइड ग्रुप। अब यहां रिएक्शन क्या होगी, आर एक्स यानी सी एच थ्री सी एल प्लस, यहां पर हम यूज करेंगे ए जी सी एन, और यहां पर रिप्लेसमेंट होगा एन सी ग्रुप के थ्रू, तो कंपाउंड बनेगा आर एन सी प्लस ए जी एक्स, आर यहां पर होगा ये सी एस थ्री एन सी एन ए जी बी आर ए जी सी एल ए जी सी एल। तो हमें आइसोसाइनाइड बना सकते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन भी आपके सामने रहेगा कि साइनाइड बनता है जब हम सी एन ग्रुप लाते हैं तो हम यूज करते हैं के सी एन, लेकिन जब हम एजीसीएल यूज करेंगे तो बनेगा आइसोसाइनाइड। तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो कि जस्ट लाइक अर्थवर्म होते हैं, जैसे दो मुहा सांप, इस साइड से भी वो मुंह को यूज कर सकता है अपने माउथ को, दूसरी साइड से भी अर्थवर्म है, दोनों साइड से चल सकता है। ऐसे ही यहां पर ये ग्रुप बिल्कुल उनकी तरह ही है, यहां पर दो सेंटर्स हैं, वो एक टाइम में या तो एक या दूसरे सेंटर से अटैक कर सकता है, मींस दीज हैव मोर देन वन अटैकिंग सेंटर्स। तो यहां पर जो सी एन ग्रुप है ये इस तरह से प्रेजेंट है, माइनस इसके पास हो गए इलेक्ट्रॉन्स, इधर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस कार्बन के थ्रू भी अटैक कर सकता है और इस एन के थ्रू भी अटैक कर सकता है। तो जब ये केसीएन अटैक कर रिएक्शन कराते हैं केसीएन की, तो वो आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक नेचर का है, सो के और सी एन अलग अलग हो जाएंगे, सी एन इज नेगेटिवली चार्ज, अटैक करेगा सी के थ्रू तो साइनाइड बनेगा, लेकिन अगर हम एजीसीएन यूज करते हैं तो एजीसीएन में ये बॉन्ड टूटेगा नहीं और अटैक होगा नाइट्रोजन की साइड से, एजी इस तरीके से यहां से अटैक होगा, बॉन्ड टूटा नहीं है, और उसके बाद में एजी प्लस बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा एनसी। तो यहां पे बनेगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होने के कारण, क्योंकि यहां पे सी एन माइनस क्या है, इट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो हमें कंडीशन अलग अलग लिखनी पड़ती है। इसके बाद हम कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे हम किसकी, के एन ओ टू की, के एन ओ टू पोटेशियम नाइट्राइट, इट इज पोटेशियम नाइट्राइट। तो यहां याद रखेंगे कि जो एजी के एनओ टू है, ये के एनओ टू का फॉर्मूला होता है के ओ एन डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है के ओ एन ओ, तो यहां पर रिएक्शन करने पर ये कंपाउंड आयनिक है, इसलिए के प्लस ओ एनओ माइनस बन जाएगा और ये ओ एनओ एक्स को रिप्लेस कर देगा आर एक्स को। तो इस तरह रिएक्शन क्या बनेगी, आर ओ एन डबल बॉन्ड ओ, तो क्या बना ये एल्काइल नाइट्राइट।
एल्काइल नाइट्राइट। लेकिन अगर हमने यूज किया सेवेंथ कंडीशन CH3CH2Br, इसको यूज किया और हमने यूज किया यहां पर AgNO2, तो यहां पर K की बजाय Ag होगा और वो कंपाउंड होगा आयनिक, तो बॉन्ड Ag और N का नहीं टूटेगा और यहां पर अटैक जो है किसकी थ्रू हो जाएगा, AgONO में N अटैक करेगा और कंपाउंड बनेगा CH3CH2NO2 प्लस AgBr। तो यहां पर भी सेम कंडीशन है, जो नाइट्राइट है ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, दो बार टाइप से अटैक कर सकता है, O के थ्रू और N के थ्रू। जब ये O के थ्रू अटैक करेगा यानी कि KNO2, तो ये आयनिक कंपाउंड है और बनेगा नाइट्राइट, और अगर ये AgNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो AgNO2 ये है कोवेलेंट कंपाउंड और ये अटैक करेगा N के थ्रू तो बनेगा नाइट्रो एल्के। तो ये थे सब्स्टिट्यूशन के डिफरेंट एग्जांपल्स। एल्काइल हैलाइड्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के साथ साथ एक रिप्लेसमेंट और हम देख सकते हैं जो कि है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एल्काइल हैलाइड से हम बना सकते हैं एल्केन। एल्काइल हैलाइड से हम बना सकते हैं एल्केन, जैसे CH3CH2Cl। तो H के थ्रू हम Cl को रिप्लेस कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। और यहां पर हमारे पास कई केमिकल्स ऐसे हैं, जैसे रिएजेंट्स हैं जिनसे हम इनको यूज कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं एल्केन्स में। जैसे एक सैंपल है हाइड्रोजन निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं, तो ये रिप्लेस हो जाएगा CH3 इथेन बन जाएगा। हेलोजन इज रिप्लेस बाय एच, इथाइल क्लोराइड से इथाइल ब्रोमाइड से इथेन। हम यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके थ्रू भी हम H Cl को H से रिप्लेस कर सकते हैं। CH3 हमें CH3 इथेन मिलेगा, मिथाइल से मिथेन, इथाइल से इथेन, प्रोपाइल ब्रोमाइड से प्रोपेन। नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं सोडियम एंड अल्कोहल, यहां पर रिएक्शन होगी दोनों की और यहां नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी C2H5ONA प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, तो अटैक करने वाला कौन है 2H नेसेंट हाइड्रोजन और ये बन जाएगा फिर से इथेन। एक और एग्जांपल है जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर सकता है, यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट एंड दैट इज HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। इससे आप किसी भी कंपाउंड को एल्केन बना सकते हो, इसको भी बना सकते हैं। तो कंपाउंड क्या बनेगा, अगेन CH3CH3, तो जितने कार्बन उतने कार्बन का एल्केन। ये सारी रिएक्शंस थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हमें स्टडी करना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्या है, कैसे होती है। तो जो यहां पे हम जानते हैं कि यह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे होती है ये रिएक्शंस, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इनकी टाइप्स है दो, टू टाइप्स SN1 एंड SN2। SN1 इसका पूरा नाम है 1-4-unimolecular न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड इज SN2 2-4-bimolecular न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा है, यहां पर इस रिएक्शन में केवल एक मॉलिक्यूल पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, यानी कि ये रिएक्शन जब भी होगी, सपोज एक से ज्यादा स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कह सकते हैं इसको, एक से ज्यादा स्टेप्स में अगर होती है तो जिस स्टेप पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा उसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, उसकी कंसंट्रेशन पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। बाई मॉलिक्यूलर में टू मॉलिक्यूल्स एक साथ होंगे और दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होगी, दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, तो वो कहलाती है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इनको हम वन बाय वन इनकी मैकेनिज्म समझेंगे और किस तरीके से ये कंपाउंड्स बना सकते हैं।
इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा इसकी डिटेल ये अबाउट SN1 एंड SN2। SN1 मतलब जैसे यहां पर कोई एल्काइल हैलाइड है RX और उसमें सबसे पहले रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है। कैसे? R और X के बीच का बॉन्ड टूट गया तो बन गया R+ एंड X-। इस कंडीशन में यहां पर पहले ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो एक ही केमिकल है जो कि यूज हो रहा है, सो इसे बोलेंगे 1 यूनिमोलिकुलर। सेकंड स्टेप में R+ जो कि अल्काइल कैटायन बन चुका है, कार्बो कैटायन बन चुका है, उस पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का और वो RNU बना लेगा। तो ये बन गया रिप्लेसमेंट। अब इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल देखना पड़ेगा कि इस तरह की रिएक्शंस, ये है एक एग्जांपल प्राइमरी कंडीशन में, लेकिन ये जो रिएक्शन है मेनली किसमें होगी? इन टर्शियरी हैलाइड्स। टर्शियरी हैलाइड्स क्या है? जैसे कार्बन के पास 3 R ग्रुप है, तीनों कार्बन की चेन है और एक हैलोजन प्रेजेंट है। हमने यहां ले लिया इसको BR, फॉर एग्जाम्पल इसको हम CH3 भी ले सकते हैं, आइसोब्यूटाइल, दैट विल बी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इस कंपाउंड में सबसे पहले क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा स्लो स्टेप में और बनेगा C, क्योंकि इसके बाद 3 बॉन्ड रह गए हैं कार्बन पे, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये हो गया प्लेनर और बन गया Br-। अब इस कंपाउंड पर जो कि कार्बन है सेंट्रल ग्रुप, उस कार्बन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर सकता है? वन कंडीशन ये है कि इस साइड से अटैक करे, तो ये वन कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है, ये हम सेकंड कंडीशन लेंगे। तो यहां पर देखिए कि अगर ये इस साइड से अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल इस जगह पे बॉन्ड बनाएगा इस डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन का अटैक करता है तो वो दूसरी साइड से। हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये एक प्लेन है, दैट इज द प्लेन 2D। अब वो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है। तो दोनों कंडीशन में जो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगी इसके कंपैरिजन में इधर इसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, अपोजिट होगी। तो हम उसमें देख सकते हैं कैसे कंपाउंड बनेंगे। पहला होगा न्यूक्लियोफाइल, ये वन कंडीशन के अकॉर्डिंग बनेगा, और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बनेगा प्लस CR। अब न्यूक्लियोफाइल इस साइड पे अटैक करेगा, यस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे कंडीशन में देख रहे हैं कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है दो तरीके से अटैक कर पाता है, दोनों का मिक्सचर हमें मिलेगा। अगर ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, मीन्स काइरल कार्बन है जिसके पास सारे ग्रुप डिफरेंट है, R, R', R" CH3, CH5, H और कोई और ग्रुप, तो ऐसी कंडीशन में ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा। और ऐसी कंडीशन में अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लीवो रोटेटरी होगा। तो ध्यान रखिए कि SN1 मेथड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर कब बनेगा? जब हमारे पास कार्बन काइरल है और उसकी प्रेजेंस में ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों टाइप के आइसोमर्स बनाएगा और मिक्सचर होगा रेसिमिक मिक्सचर। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स ले सकते हैं। वन कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, नंबर टू रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन तो रेसिमाइजेशन होता है SN1 के थ्रू। और नंबर थ्री जो सबसे ज्यादा रेट हो रहा है किसमें हो रहा है? टर्शियरी में। तो टर्शियरी के साथ साथ सेकेंडरी प्राइमरी में SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा और इसका कारण है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम। तो ऑर्डर ऑफ
रिएक्टिविटी SN1 के थ्रू क्या होगी, टर्शियरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी हैलाइड्स। तो ये हमारे सामने कंडीशन है कि SN1 के अंदर मेन मेन पॉइंट्स कौन से हैं। नंबर वन ऑर्डर क्या है, नंबर टू यहां पे रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, नंबर थ्री ओनली वन केमिकल एक टाइम में यूज हो रहा है जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अब हम स्टडी करेंगे SN2 मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 मींस बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक फुल फॉर्म ऑफ SN2। तो इस मेथड में जो रेट ऑफ रिएक्शन है दो कंसंट्रेशन टर्म्स पर डिपेंड करेगा, दो केमिकल्स होंगे जिनके कंसंट्रेशन चेंज होगी और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो एग्जांपल के फॉर्म में जैसे हमने लिया है कंपाउंड CH3Br जिसको कि हम RX कह सकते हैं, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो कि माइनस चार्ज वाला है ये अटैक करेगा अपोजिट साइड ऑफ हेलोजन से, दोनों यहां पर एक साथ कंपाउंड बनाएंगे CH3 जो कि यहां पर होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को कौन लेना शुरू करेगा Br, तो यहां पर ये Br नेगेटिव है और इधर से न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है जो माइनस चार्ज वाला था वो इलेक्ट्रॉन देने लगा है, इनके इलेक्ट्रॉन्स पहले दोनों के वीक बनने शुरू होंगे और यहां पर जो बॉन्ड है वो वीक होने लगेगा ओल्ड बॉन्ड। इस कंडीशन में इस कार्बन के पास पांच एटम्स हैं, 3H और 1Br एंड 1 न्यूक्लियोफाइल, तो कार्बन पे पांच एटम हो नहीं सकते हैं, इस कंडीशन में ये स्टेबल नहीं होगा और इसलिए फिर बाद में यही रिएक्शन टूट के क्या बन जाएगा CH3NuNBr-। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड कर रही है, एक स्टेप है 1 और 2 दोनों एक साथ प्रेजेंट है, दोनों पे रिएक्शन डिपेंड करेगी, इसलिए है बायमोलिकुलर। अब इसका है कि इनका ऑर्डर क्या है, किसमें जल्दी होगी, कहां ये देर से होगी, तो ध्यान रखिए कि जो प्राइमरी हैलाइड्स हैं, प्राइमरी हैलाइड्स उनमें होगी SN2 सबसे तेजी से, सेकेंडरी हैलाइड्स में और कम, और टर्शियरी हैलाइड्स में सबसे कम होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। और इसका एक कारण है कि प्राइमरी में CH2 इसके पास कम से कम हैवी ग्रुप प्रेजेंट है, इथाइल ब्रोमाइड फॉर एग्जांपल, एक हम कंपाउंड ले लेते जिसमें टर्शियरी सारे प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंपाउंड को ले सकते हैं ब्यूटाइल के लिए CH2CH2CH3 ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो इस कार्बन के थ्रू न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा और उसकी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी क्योंकि ये इस पे दो एच है, दो तरफ एच है, दूसरी तरफ एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि इसमें अगर हम कहते हैं कि CH के पास दो हेलोजन ग्रुप हैवी है R, यानी कि एक CH3 है CH2H5 है, तो इस कंडीशन में ये जो ग्रुप है जो कि CH2H5 ले सकते हैं, जिसको हम CH3 ले सकते हैं, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो जाएगा। और जब तीनों तरफ कार्बन के हैवी ग्रुप जैसे CH3 है, तीन CH3 आ जाए, तीन R ग्रुप आ जाए, तो इस कंडीशन में रिएक्शन सबसे कम होगी। और इसका कारण यह है कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा हैलोजन के अपोजिट साइड से अटैक करता है, तो कार्बन की जो पोजिशन है वो है टेट्राहीड्रन, यहां पर हेलोजन है और न्यूक्लियोफाइल करेगा इधर से अटैक। तो ये जो हैवी ग्रुप है, यहां पर अगर ये हैवी ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे सेंट्रल कार्बन को अटैक से, तो इस कंडीशन में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट होगा, इसमें सबसे आसान होगा। तो ये है ऑर्डर ऑफ SN2, प्राइमरी में सबसे तेज, सेकेंडरी में और कम, टर्शियरी में सबसे कम, और यहां पर कारण है स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक फैक्टर, जिसमें कि हैवी ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जो सेंट्रल
एटम है उस पर अटैक नहीं हो पाता और इसी कारण से ऑर्डर इस तरह से चेंज होता है। अब कंडीशन देखिए कि जहां भी कार्बन पे जो ग्रुप था हमारा ये इस तरीके का कंपाउंड था, हेलोजन आर एच एच, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है, अपोजिट साइड से, तो ये कंपाउंड हमारे पास है और जो कन्वर्ट हो जाएगा सी आर एन यू एच एन एच, यानी कि एक्स की पोजीशन के कंपैरिजन में इसकी पोजीशन जस्ट अपोजिट साइड से होगी। अगर न्यूक्लियो हेलोजन इस साइड प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से ऐड होगा सेंट्रल एटम के पास, ऐसे में कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी और इसीलिए एस एन टू मेथड में होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉइंट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काम आता है कि एस एन टू से हमें क्या मिलता है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल कार्बन, और इस कंडीशन में यहां पर होगा ये इसका ऑर्डर। अब बात आती है कि सेकेंडरी कब करेंगे, सेकेंडरी का मेथड तो बीच में है, यहां भी SN2 मेथड में सेकेंडरी का ऑर्डर सेकेंड नंबर पे है और SN1 में भी, तो इनकी जो कंडीशन है SN2 की यानी कि सेकेंडरी हैलाइड्स की कंडीशन डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। अगर सॉल्वेंट पोलर है तो रिएक्शन होगी SN1 मेथड से, और अगर सॉल्वेंट है नॉन पोलर तो रिएक्शन होगी SN2 मेथड से। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो कि एल्काइल हैलाइड्स की हो सकती है वो है एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप लाइक HCl, एक H एक Cl निकल जाए, एक H एक हैलोजन निकल जाए तो बन जाएगा यहां पर एल्काइल हैलाइड, पर हम रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH की, तो यहां से एच एक्स ग्रुप का रिमूवल होगा एक एच और एक एक्स का, और यहां बन जाएगा ये एल्कीन। फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच टू सी एल प्लस एल्कोहलिक KCl, तो ये जो सी एल है वो के साथ रिएक्शन करेगा बनाएगा KCl, यहां से एक एच का रिमूवल होगा एक एच का रिमूवल होगा यहां से और ये ओ एच के साथ मिलकर बनाएगा एच टू ओ। अब जो कार्बन है वो दोनों के पास रहेगा केवल एच सी एच टू और सी एच टू, दोनों बना लेंगे डबल बॉन्ड। तो इस कंपाउंड में इन रिएक्शंस में एल्काइल हैलाइड्स को हम एल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एल्कीन्स। और इस रिएक्शन के लिए हमें जो है इसको हम सिंपल वे में ध्यान रख सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में ये ग्रुप कहलाएगा अल्फा, ये कहलाएगा बीटा। तो जब रिप्लेसमेंट ऑफ एच हैलोजन से कंपैरिजन में बीटा कार्बन से होगा तो उसे हम कहेंगे बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का ये एग्जांपल है, बीटा एलिमिनेशन एच का रिमूवल, रिमूवल ऑफ एच फ्रॉम बीटा कार्बन, इसलिए बीटा एलिमिनेशन। तो ये है इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स की। अब इसकी रिएक्शन होती कैसे है, जैसे एग्जांपल है कि हमारे पास यदि इस कंडीशन में इस एग्जांपल में केवल एक कार्बन है जो कि बीटा है, बट अगर सेकंड कंडीशन यहां पे लेंगे कि एल्काइल हैलाइड इस टाइप का हो जिसमें कि एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो, वन साइड भी बीटा कार्बन है दूसरे साइड भी बीटा कार्बन है, तो अब एच का रिमूवल जो होगा वो कहां से होगा, इसका लिए हम यूज करते हैं सेटजेफ रूल, जेटसे रूल भी बोल सकते हैं इसको और सेटजेफ रूल बोल सकते हैं, जिसका मीनिंग है कि अगर एल्काइल हैलाइड इस टाइप का है जिसमें दो हेलोजन दो हाइड्रोजन बीटा पोजीशन पे हैं तो हम कौन से एच को रिप्लेस करेंगे, कौन सा कंपाउंड मेन बनेगा। एग्जाम्पल सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड,
इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये कार्बन है अल्फा, तो ये कार्बन है बीटा, और ये कार्बन भी है बीटा। दो हमारे पास कार्बन बीटा हैं, और इसमें से हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स बनेंगे जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक केएच के साथ। तो यहां से भी एच निकल सकता है और इधर से भी। तो दो कंपाउंड है, जब एच यहां से निकलेगा और बी आर यहां से निकलेगा तो डबल बॉन्ड इन दो के बीच में बनेगा, कंपाउंड होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3 मींस ब्यूट टू इन ब्यूटीन टू। और अगर यहां पर Br है यहां पर, तो बीटा एच यहां से निकलता है, तो उस कंडीशन में डबल बॉन्ड बनेगा 1 और 2 के बीच में, तो कंपाउंड होगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 और यह है ब्यूट 1 इन। ये कंपाउंड होगा मेजर, ये स्टेबल कंपाउंड बनेगा, ज्यादा बनेगा, जबकि ये बहुत ही कम होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी कम क्यों है? इसका कारण है, रीजन है यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जो कि डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अल्फा एच। कितने अल्फा एच हैं सेंट्रल एटम्स के आसपास, सेंट्रल ग्रुप के आसपास, तो हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करता है अल्फा एच पर। इस कंपाउंड में क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहां पर ये ग्रुप है सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ये मेन ग्रुप है, इसके साथ में ये है अल्फा कार्बन, ये भी है अल्फा कार्बन, तो यहां पर 3H है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे। यहां पर है 3H जो कि हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो टोटल 7 स्ट्रक्चर बनेंगे। वन ऑलरेडी है, थ्री इन एच के कारण, तो 6 अल्फा एच है यहां पर। यहां पर केवल अल्फा एच है 2, 2 है केवल CH2, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेंगे केवल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे 2 केवल, और एक स्ट्रक्चर ये हो गया, तो ओनली 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये थी एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स, और क्यों होती है इस टाइप से रिएक्शन। ये हमारा क्वेश्चन बहुत पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी मेजर प्रोडक्ट व्हेन वी हीट दिस सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड ब्रोमाइड विद एल्कोहलिक KOH। अब आपने नोट किया है कि जब हम एक्वस KOH यूज करते हैं तो बनता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एल्कोहल बन जाता है, लेकिन जब हम एल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन हो रही है एलिमिनेशन, रिमूवल हो रहा है स्मॉल ग्रुप HX का। यहां पर हम HX को ले सकते हैं, ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि जो एक्वस KOH है उसमें प्रेजेंट है OH माइनस, K प्लस एंड OH माइनस, तो OH माइनस है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। लेकिन एल्कोहलिक KOH में जो हमारे पास ग्रुप है वो है RO नेगेटिव भी बनता है। एल्कोहलिक KOH में हमारे पास बनेगा RO नेगेटिव, जो कि न्यूक्लियोफाइल के कंपैरिजन में प्रोटॉन एक्सेप्टर है। जैसे हम यूज करेंगे एल्कोहलिक KOH तो ये H को अपनी तरफ खींचेगा, इस मॉलिक्यूल में से H को निकालेगा यहां से, और इसके निकलते ही मॉलिक्यूल होगा अनस्टेबल, और यहां से निकलेगा एच और बन जाएगा एल्कीन। तो ये कंडीशन ध्यान रखें कि एक्वस KOH में होता है OH माइनस, एल्कोहलिक KOH में होता है RO माइनस, जो कि न्यूक्लियोफाइल के बजाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ज्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बजाय प्रोटीन प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी कि एच प्लस से कंबाइन करने वाले, तो ये तुरंत एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स जिनमें से पहला है विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। आर एक्स कोई भी अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर तो बन जाएगा आर एम जी एक्स। इस कंपाउंड का नाम है, इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड,
कार्बन मेटल बॉन्ड होगा इसके अंदर, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अगर हम लेते हैं CH3, CH2, Br, मैग्नीशियम, तो मिलेगा CH3, CH2, Mg, Br, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, कार्बन मेटल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा। इसकी नेचर है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। सेकेंड रिएक्शन होगी विद सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन होगी फॉर एग्जाम्पल CH3Br प्लस मैग्नीशियम प्लस सोडियम। हम सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां पर इसके दो ग्रुप एक साथ रिएक्शन करेंगे, दो मॉलिक्यूल होंगे सोडियम के, दो मॉलिक्यूल होंगे यहां, और यहां कार्बन की संख्या जो भी होगी वो जस्ट डबल हो जाएगी, CH3 प्लस 2NaBr। तो कार्बन की संख्या को जस्ट डबल करना हो, मिथाइल ब्रोमाइड से इथेन बनाना हो, इथाइल ब्रोमाइड से ब्यूटेन बनाना हो, तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, और इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। तो मैग्नीशियम के साथ देता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जो कि हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपरेशन में, एल्कोहल्स प्रिपरेशन, एल्डिहाइड कीटोन प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने में यूज होता है। साथ ही साथ इस रिएक्शन में यहां पर हम कार्बन की संख्या जस्ट डबल कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड यूज होगा यूज्ड ओनली टू प्रिपेयर एल्केन विद इवन कार्बन। जैसे हमें इथेन बनाना हो, ब्यूटेन बनाना हो, हेक्सेन बनाना हो, तो इस मेथड को यूज कर सकते हैं, बट प्रोपेन पेंटेन हेप्टेन बनाने के लिए इस मेथड को हम प्रिफर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर मिक्सचर मिलेगा। जैसे हम इसको यूज कर लेंगे CH3Br को साथ में हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया प्रोपेन बनाने के लिए, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर दो ये मॉलिक्यूल रिएक्शन कर सकते हैं इथेन बनाएंगे, यहां दो मॉलिक्यूल CH5 रिएक्शन कर सकते हैं तो ब्यूटेन बनाएंगे, लेकिन वन ये और एक वन ये दोनों रिएक्शन कर गए तो मिलेगा प्रोपेन। तो हमें इथेन प्रोपेन ब्यूटेन सभी कंपाउंड्स मिलेंगे, एक मिक्सचर मिलेगा, इसको हम यूज नहीं करेंगे। एल्काइल हैलाइड्स की इन रिएक्शंस को अब हम समराइज कर सकते हैं एक साथ याद करने के लिए कि किस तरीके से हमें पूरा सर्कल देखें, तो हमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स और रिएजेंट्स तीनों को हम एक साथ समझते हुए याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड मीन्स ये ब्रोमीन को हमें रिप्लेस करना है अलग अलग कंडीशंस में से, इस कंपाउंड से हमें अलग अलग कंपाउंड्स को बताना है कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन में देखेंगे हम, तो हमें बनाना है अल्कोहल, ये है अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप की एंट्री, तो हम यहाँ ब्रोमीन को OH से रिप्लेस करने के लिए यूज करेंगे एक्वस KOH। दूसरी तरफ हमें अगर अमाइन बनाना है, NH2 ग्रुप की एंट्री करनी है, इट इज अमाइन, इथाइल अमाइन, तो यहां पर NH2 लाने के लिए हमें अमोनिया की रिएक्शन करानी होगी, अल्कोहलिक अमोनिया, जिससे कि यहां पर ब्रोमीन NH2 से रिप्लेस होगा। हमें बनाना है ईथर, ईथर मींस OR, OC2H5, ये ग्रुप हमें एंटर करना है इन प्लेस ऑफ ब्रोमीन यानी हेलोजन, तो हम उस कंडीशन में यूज करेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, सोडियम एल्कोक्साइड, यहां पर हमने इथाइल लिया है तो हमें लेंगे C2H5ONe। हमें बनाना है साइनाइड, हमें Br की जगह पर क्या पुट करना है CN, तो ये CN जो होगा इसको लाने के लिए हमें KCN सिलेक्शन कराएंगे, बनेगा साइनाइड। उसके बाद हमें आइसोसाइनाइड बनाना है, तो हम यूज कर सकते हैं एल्कोहलिक AgCN, एल्कोहलिक AgCN
इधर हमें लाना है NO2 ग्रुप, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो इथेन बनाना है इथाइल ब्रोमाइड से, तो हम इसकी रिएक्शन करेंगे AgNO2 के साथ और बनेगा नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन। हमें बनाना है एल्काइल नाइट्राइट जो कि बहुत कम चेंजेस आते हैं, तो हम यहाँ KNO2 यूज करेंगे तो यहां पर बन जाएगा इथाइल नाइट्राइट ONO। यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे कि यहां पर जो KON(O) इस तरह से ये कंपाउंड यूज हो रहा है और यहां पर जैसी बॉन्ड टूटेगा ये माइनस होगा, इधर N के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है तो AgNO2 की कंडीशन में रिएक्शन N के थ्रू होगी, KNO2 के साथ रिएक्शन यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, प्लस माइनस हो जाएंगे तो O के थ्रू होगी, इसलिए KNO2 बनाएगा नाइट्राइड। अब हम यहां करते हैं Br हेलोजन का रिप्लेसमेंट H से, यानी कि रिडक्शन, तो हम इनमें से कोई सा भी एक केमिकल यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन निकल, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और HI रेड फास्फोरस, इसके साथ एक केमिकल और भी है सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख सकते हैं, ये एग्जांपल था कि हम सेम कार्बन का एल्केन बना रहे थे इथाइल ब्रोमाइड से इथेन, लेकिन अगर हमें कार्बन की संख्या डबल करनी है तो हम यूज कर सकते हैं वुड्स रिएक्शन जो कि है सोडियम के साथ रिएक्शन कराना, सोडियम Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां पर दो मॉलिक्यूल दो कार्बन की ये स्पीशीज आर ग्रुप जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और बनाएंगे ब्यूटेन, यानी कि कार्बन की संख्या 10 डबल। अब ये रिएक्शन है हमें इससे बनाना है एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर हमें रिमूव करना पड़ेगा एक एच और एक Br का, यूज होगा एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH एक्वस KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन, और लास्ट में हम मेटल्स के साथ में और भी रिएक्शन कर सकते हैं, वो है मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन, तो बनाएगा ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये थी कंप्लीट समरी ऑफ द रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, और इसको देखते हुए समझ के हम सारे कंपोनेंट्स याद कर सकते हैं, क्या केमिकल लाना है, कौन सा हमें न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करना है किसके थ्रू, तो हम क्या रिएजेंट यूज करेंगे, ये रिएजेंट है, ये प्रोडक्ट है और ये है रिएक्टेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।